बजाज फाइनेंस लिमिटेड जो कि एक NBFC है, पुणे बेस्ड कंपनी है, ये विवादों में फिर से घिर गई है क्योंकि फ्रॉड चल रहा था। कल RBI ने इस पर बहुत हेफ्टी पेनल्टी लगाई है, बहुत बड़ा इनके ऊपर जुर्माना लगाया है। ये फ्रॉड वगैरह बता भी नहीं रहे थे RBI को, और इसलिए RBI ने ये जुर्माना लगाया है। ये खबर तमाम अखबारों में कल छपी है, कल यानी 13 अक्टूबर 2023, और इस अखबार इस खबरों को आप पढ़ भी सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ क्लिपिंग्स लगा रहा हूँ, सबसे पहले इकोनॉमिक टाइम्स अखबार की क्लिपिंग लगा रहा हूँ। इस वीडियो को आप पॉज करके इस अखबार को पढ़ सकते हैं, इस क्लिपिंग को पढ़ सकते हैं, या फिर चाहिए तो फिर इंटरनेट पे भी जाके आप सर्च कर सकते हैं। इसके बाद मैं मिंट न्यूज़पेपर की भी क्लिपिंग यहाँ लगा रहा हूँ, इसको भी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। बेसिकली ये कंपनी बार बार विवादों में फंस रही है, ये एक प्राइवेट कंपनी है, इससे बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है हम सबको। ये कंपनी ने बहुत इलीगल टेली मार्केटिंग भी करती है, और उसकी वजह से भी ये काफ़ी विवादों में फंसी हुई थी हाल फिलहाल में। और ये कंपनी के ऊपर अब कल RBI ने बहुत बड़ी पेनल्टी लगाई है। क्या फ्रॉड चल रहे थे, क्यों नहीं बता रही थी फ्रॉड्स के बारे में RBI को, इसलिए पेनल्टी लगाई गई है। देखिए आप इस न्यूज़ को पढ़ के, और इस कंपनी से बहुत ज़्यादा सतर्क रह के काम करने की ज़रूरत है।